दोस्तों, एक राजा और एक राज्य की, जो खुशहाल राजा था, खुशहाल राज्य था, और बड़ी तारीफ थी उस राजा की। लेकिन जब हम उसकी पूरी हिस्ट्री को जानने की कोशिश कर रहे हैं, अगर उसकी पूरी जानकारी लेने की कोशिश करें, तो हमें ये भी पता लगता है कि वो राजा थोड़ा सा घमंडी किस्म का भी था, और अपने आप को बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान भी समझता था। और इस बात का उसे बहुत ही ज्यादा क्या था, खुद पर घमंड था। वो लोगों से अक्सर कहता फिरता था कि इस दुनिया में, इस राज्य में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो मुझे बेवकूफ बना सके या मुझे धोखा दे सके। एक बार क्या होता है कि एक बार सभा चल रही होती है, और उस सभा में एज यूजुअल, क्योंकि राजा को है अपना दिखाना तो होता ही है कि हाँ भाई, मैं बड़ा होशियार हूँ, बड़ा इंटेलिजेंट हूँ। तो वो क्या करता है, मीटिंग में सबसे पूछता है कि मेरे मंत्री गणों और मेरे सभा गणों, मैं सभी से एक राय लेना चाहूंगा कि क्या यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति है पूरे राज्य में जो मुझे चैलेंज कर सके, या जो मेरी नॉलेज को टक्कर दे सके, या मेरी बुद्धिमत्ता को जो है मतलब कह लीजिए कि मुझे टक्कर दे सके। तो अब सभी मंत्रीगण, क्योंकि आपको पता है कि राजा ने बोल दिया तो पत्थर की लकीर है, तो सब मंत्रीगण बोले कि हाँ नहीं, राजा जी बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं, आप बहुत ही बलशाली हैं, बहुत ही नॉलेजेबल हैं, बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान है, आपके जैसा कोई बंदा पूरा राज्य में, कोई आपकी टक्कर का बंदा कोई है ही नहीं है। उसमें से एक मंत्री होता है, वो उस बात पे जो है अपनी उन क्या बोलते हैं उसको अपनी नाराजगी दोहराता है, या कह लीजिए कि उसे सहमत नहीं होता। तो ये देखकर राजा का माथा ठनकता है कि यार, सारे मंत्री बोल रहे हैं भाई कि मैं तो यार बड़ा इंटेलिजेंट हूँ, बड़ा होशियार हूँ, इसको क्या हो गया कि ये मेरी बात पे सहमत नहीं है। तो वो उस पर्सन से पूछता है, मंत्री जी, उसका नाम होता है उनका नाम होता है गोपाल जी। तो बोलता है, गोपाल जी, आपको क्या लगता है कि मैं बुद्धिमान नहीं हूं, तो मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं क्या, ऐसा ऐसा क्यों लगता है आपको? कह रहा है, राजा जी, मैं आपकी बुद्धिमत्ता पे कोई क्वेश्चन नहीं उठा रहा हूं, लेकिन आपने बोला ना कि आपको धोखा नहीं दे सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि बात वही आती है कि अगर मैं आपसे यहां पर बोलूं ना कि हमारे पास, हमारे राज्य में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपको धोखा दे सकते हैं, तो राजा पूछता है, ऐसा कैसे पॉसिबल है, मुझे बताओ, मुझे कोई उदाहरण दो इसके लिए। तो वो गोपाल जी उसको बोलते हैं, राजा जी, ऐसा है कि हमारे राज्य में सुनार हैं, एज यू नो, गोल्ड स्मिथ, जो कि सोने वाला काम करते हैं। तो अक्सर सुनार जो है वो क्या करते हैं, वो हमारे कस्टमर्स को, हमारे ग्राहकों को जो है वो लूटते हैं, वो उनको धोखा देते हैं। तो आपको भी धोखा दे सकते हैं आराम से, ऐसा नहीं है कि वो आपको धोखा नहीं दे सकते। तो ये बात सुनकर राजा थोड़ा परेशान होता है, वो बिना एक पल गवाए एक आदेश देने लगा होता है कि बुलाओ उन सब सुनारों को, मैं उनको कल पूछता हूं कि वो ऐसा क्या धोखा करते हैं, धोखा क्यों करते हैं। तो इस बात को सुनकर जो है वो मंत्री जी, गोपाल जी बोलते हैं, प्लीज राजा जी, ऐसा मत करिए, ऐसा तो फिर आपकी बात, आपके आदेश को सुनकर तो वो लोग कभी आएंगे ही नहीं, या वो अगर आ भी गए तो वो आपकी बात को काटेंगे ही नहीं, क्योंकि वो तो ये बोलेंगे कि हाँ, राजा जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। तो अगर ऐसा मत कीजिए कि उनको शक हो जाए कि हाँ, आप स्पेशल उन यही जानने के लिए बुला रहे हैं कि हाँ, आप लोग चोरी करते कि नहीं करते, आप धोखा देते कि नहीं देते। तो राजा कहता है उसके बारे में, गोपाल जी, आप कुछ चिंता मत करिए, मैंने उसके लिए तरकीब लड़ाई है। वो तरकीब क्या लड़ाई है कि मैं सब लोगों को ये आमंत्रण देकर बुलाने वाला हूं अपने राज्य में, सुनारों लोगों को, कि मैं उन लोगों की जो है कुशलता को, उन लोगों की ईमानदारी को परखना चाहता हूं, और मैं उसके लिए उनको एक कार्य दूंगा। तो ठीक है, गोपाल जी उस चीज से सहमत हो जाते हैं। अगले दिन क्या होता है, अगले दिन ही सुनारों को बुलाया जाता है राज दरबार में, राजमहल में। और क्या होता है कि जब वो सब लोग वहां पर पहुंचते हैं, सब लोग देखते हैं कि यार, ऐसा क्या हो गया कि राजा ने एकदम से बुला लिया, यार ऐसा क्या हो गया, ऐसी क्या दिक्कत आ गई कि भाई हमें रातों रात खबर मिली और हम अगले दिन यहाँ पे पेश होना पड़ा। तो सब लोग जो है, सुनार वगैरह सब लोग परेशान थे। तो उनकी अब थोड़ी सी परेशानी को कम करते हुए एकदम से ही जो है राजा पधारते हैं सभागण में, सभा में, और वो सब लोगों को बोलते हैं कि ऐसा है, आप लोगों को इसलिए बुलाया गया है कि मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूँ कि अगर मैं आप लोगों को एक सोने का टुकड़ा दूं, तो आप में से कितने लोग, ध्यान से सुनिएगा कि राजा ने बोला कि मैं आप लोगों को एक सोने का टुकड़ा दूंगा, तो कितने लोग मुझे धोखा देकर, या कह लीजिए कि मुझे चैलेंज करके, कि आप लोग उस सोने के टुकड़े में से कुछ हिस्सा जो है, या कह लीजिए कि पूरा का पूरा हिस्सा आप मुझे धोखा देकर वहां से लेकर जा सकते हैं। तो ये बात सुनकर सभी लोग जो है, सभी सुनार देखने लगे, दूसरे का मुंह देखने लगे, तभी
तभी सबने मिलकर बोला कि हाँ राजा जी, ये पॉसिबल है कि हम आपको धोखा देकर, आपके सामने से हम सोना लेकर जा सकते हैं, अगर हम ऐसा करना चाहें, अगर हम सच में ऐसा करना चाहें तो। तो फिर राजा ने बोला कैसे? तो एक सुनार ने बोला कि राजा जी, मैं आपके दिए हुए सोने के टुकड़े में से एक चौथाई भाग आपको बिना बताए आपको आपकी आंखों के सामने से ले जाऊंगा और आपको पता नहीं लगेगा। तभी दूसरा सुनार बोला, वो बोला है कि राजा जी, मैं कम से कम आधा भाग इसमें से अपने जो है घर ले जाऊंगा और आपको पता नहीं लगेगा। वहीं एक तीसरा एक और था, उसने बोला सर, मैं आप पूरा का पूरा भाग आपके सामने से ले जाऊंगा सोने का टुकड़ा, और आपको उसकी खबर ही नहीं होगी। और उस सुनार का नाम क्या था? उस सुनार का नाम था सुरेश। अब राजा के तो बात आ गई थी इज्जत के ऊपर, यहां पर बात आ गई थी कि भाई मेरी तो रिस्पेक्ट अब जो है खतरे में आ गई है। तो राजा ने बोला, अगर तुम ऐसा कर दोगे कि अगर तुम मेरे सामने से पूरा का पूरा हिस्सा अगर मेरे सामने से तुमने गायब कर दिया सोने के टुकड़े का, तो मैं तुम्हें अपना आधा राज्य दे दूंगा, लेकिन अगर तुम फेल हो गए तो क्या होगा कि मैं तुम्हें इस राज्य से निकाल दूंगा। तो सुरेश बिल्कुल निश्चिंत था, उसे खुद पर पूरा विश्वास था, लेकिन राजा के अब वही नॉलेज के ऊपर एक बात बन पड़ी थी। उसे लगता था कि हाँ, उसे कोई धोखा नहीं दे सकता। चलिए, अब अगले दिन उसको आदेश दिया गया कि सुरेश जी, अब मैं आपको एक टुकड़ा दे रहा हूं और आपने इस टुकड़े से एक मूर्ति बनानी है। तो मूर्ति के लिए, बनाने के लिए आपको एक कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। फॉलो क्या करनी पड़ेगी? आपको रोज राजमहल में आना पड़ेगा, सैनिक आपके चारों तरफ पहरा देंगे और मैं भी बीच बीच में आकर निरीक्षण करता रहूंगा कि आप काम कैसे हाँ कर जी, रहे हैं, कि आप काम कैसे कर रहे हैं। तो अब ये सब देखकर सुरेश के चेहरे पे बिल्कुल भी शिकन नहीं थी, क्योंकि वो एक्सपर्ट सुनार था, उसे पता था कि हाँ, मैं ये सब कुछ कर लूंगा, मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। दिन बीतते गए, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, फाइनली एक महीना बीत गया। तो अब वो मूर्ति बना रहा था, लेकिन क्योंकि सुनार है, तरकीब उसने सोच के रखी हुई थी, वो क्या कर रहा था कि राजा ने उसको कंडीशन दी थी कि उसे अपने घर के कपड़े यहां पर आकर उतारने होंगे और उन कपड़ों में उसने वो काम करना होगा, और जब वो शाम को काम करता हुआ जाएगा तो अपने उन्हीं पुराने कपड़ों को यहां से पहनकर जाएगा, ताकि वो बिल्कुल भी सोना इधर से उधर हेर फेर ना कर सके। फाइनली क्या होता है कि वो मूर्ति बनाने के लिए बिल्कुल शुरू हो जाता है और उसका काम खत्म होने वाला होता है। अब बात यहाँ पर दोस्तों एक नोट करने वाली ये थी कि वो जो मूर्ति वो अपने राज दरबार में बना रहा था, वैसे ही सेम मूर्ति अपने घर पे भी बना रहा था। काम चलता रहा, आ, आ, उसका जो है अपना घर का भी काम चलता रहा, राज दरबार का काम चलता रहा। दिन बीतते गए और फाइनली दिन आया कि जब उस मूर्ति को उसने राजा को सौंपना था। अब उसने क्या किया? राजा जी, ये मूर्ति तो तैयार हो गई है, अब ये मैं आपको पेश करने वाला हूं, लेकिन मुझे आपसे एक दरख्वास्त है कि मुझे एक चाहिए दही का मटकी, चाहिए दही का एक डोंगा, चाहिए दही का एक मुझे बर्तन चाहिए, जिससे मैं दही के उससे दही के घोल से इस सोने की मूर्ति को चमका सकूं। अब ये सुनकर राजा परेशान हो गया, भाई ऐसा कब से होने लग गया कि भाई दही से भी ये सोने को चमकाएगा। चलो, अब राजा को अपनी जीत निश्चित लग रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि हाँ, मूर्ति मेरे सामने बनी है, यहां से तो कुछ गायब कर ही नहीं पाया। तो उसने क्या किया? उसने बोला कि मुझे दही चाहिए। तो राजा बोलता है कि यार, तुम तो मूर्ख हो, तुमने अब, क्योंकि दिन ढलने वाला है, अब तुम दही का तुम अब बात कर रहे हो, जबकि दही तो रात को जमाते हैं और सुबह तैयार हो जाती है। तो बस कैसे भी करके उसकी बात को माना गया और वो रात में शाम को जाकर जो है सैनिकों को भेजा गया कि जाओ जल्दी से दही की मटकी लेकर आओ या दही का डोंगा, जहां से भी दही मिलता है वहां से लेकर आओ। और सौभाग्यवश क्या हुआ कि चलो कोइंसिडेंटली क्या हुआ कि उनको एक बाहर लड़की मिल गई जो राज दरबार के बाहर घूम रही थी और वो मटकी लेकर चल रही थी। तो वो चिल्ला रही थी, दही ले लो, दही ले लो, ताजा दही ले लो। तो वो सुनकर सैनिकों ने बोला, क्या बेच रही हो? तो लड़की ने बोला, दही बेच रही हूँ। तो वो क्या करते हैं कि लड़की को राज दरबार में ले आते हैं। अब वो राजा बोलता है, लो ये दही तुमने मांगी थी, दही तुम्हारे पास में आ चुकी है। तो वो लड़की क्या है कि उस लड़की से वो जो सुरेश होता है, जो सुनार होता है, उससे दही की मटकी ले लेता है। अब होता क्या है कि वो दही की मटकी लेने के बाद में वो मूर्ति को वो क्या करता है, उस मूर्ति को वो दही की मटकी में डाल देता है। तो और जो राजा होता है, राजा उस मटकी को लेने के बाद उस लड़की को एक सोने का सिक्का दे देता है। तो लड़की को वहां से विदा करने वाला होता है, तभी एकदम से सुरेश क्या करता है, उस लड़की को आवाज मारता है। वो बोलता है, ए लड़की रुक इधर जरा, ये दही तो बेकार है तेरी, इसमें तो खाली पानी है, इसमें तो खाली चमक आएगी नहीं दही, क्योंकि इसमें दही तो कहीं है ही नहीं है, इससे तो सोने की मूर्ति में चमक ही नहीं आएगी। तो लड़की बोलती है, भाई देखो भाई साहब, ऐसा है
मैंने अपने दही दही तुमने तुमने मेरे से मांगी थी, मैंने तुम्हें दही दे दी और मुझे उसका जो है दाम मिल चुका है। अब तुम्हें दही खानी है, फेंकनी, तुम जो मर्जी करो। तो वो सुरेश क्या बोलता है कि चलो ठीक है, तुम अपनी इस मटकी को ले जाओ, हमें नहीं चाहिए। तो वो कहते ठीक है। तो वो लड़की जो है वो मटकी लेकर चली जाती है। अब क्या होता है कि जब वो सुरेश होता है, वो मटकी में से मूर्ति को निकाल कर वो राजा को सौंप देता है। अब यहां पर सस्पेंस है माय डियर फ्रेंड्स, कि जब वो मूर्ति को राजा के पास सौंपता है, तो राजा क्या करते हैं, राजा एक स्वर्ण विशेषज्ञ से, जो ये गोल्ड स्मिथ से, मतलब जो एक्सपर्ट्स होते हैं जिनको पूरी जांच होती है कि हाँ भाई किसी धातु को पहचानने में जिनको नॉलेज होती है, तो वो उससे पूछते हैं कि एक्सपर्ट साहब, या कह ली देखिए जी, स्वर्ण जो जो विशेषज्ञ होता है बोलते हैं, विशेषज्ञ जी देखिए जरा इस मूर्ति में सोना है कि नहीं है। तो राजा अंदर मन से थोड़ा खुश हो रहा होता है, क्योंकि उसे तो पता है कि यहाँ तो सोने की है। लेकिन यहाँ पर बाजी पलटती है और वो स्वर्ण विशेषज्ञ क्या बोलता है कि राजा जी, इस मूर्ति में एक कण भी सोने का नहीं है। ये नहीं। सुनकर राजा के माथे पे पसीना आना शुरू हो जाता है। ये पॉसिबल कैसे हुआ, क्योंकि उसे अपनी हार दिख रही थी, क्योंकि वो तो पूरा घमंडी था ना कि मेरे को तो कोई बेवकूफ बना ही नहीं सकता, मुझे तो कोई धोखा दे ही नहीं सकता। तो फिर वो सुरेश से पूछता है, सुरेश तुमने किया कैसे? तो सुरेश बोलता है, महाराज जी, जो अभी पहली बात तो जो लड़की आई थी वो मेरी बहन थी, और दूसरी बात कि मैं घर पर ऑलरेडी मूर्ति बना रहा था और उस मटकी में ऑलरेडी एक मूर्ति थी, और मैंने क्या किया था, मैंने पीतल की मूर्ति को सोने की मूर्ति से बदल दिया था। सोने की मूर्ति वो लड़की लेकर चली गई थी और जो पीतल की मूर्ति थी वो मैंने आपके सामने पेश कर दी। अब ये देखकर राजा को एक बार तो हंसी जरूर आई, लेकिन उसे पश्चाताप भी हुआ अपने ज्ञान का और अपने वंडरफुल घमंड का। तो अब आप लोग मुझे बताइए, इस स्टोरी का मोरल क्या था? यस, कि अपनी चतुराई पे घमंड नहीं होना चाहिए। अपनी चतुराई पे घमंड नहीं होना चाहिए। उसके अलावा विशाल जी, अपने आप को ज्यादा समझदार भी ना समझना चाहिए। बिल्कुल सही है। जगपाल सर, सेम सेम सर सेम। सेम, ओके। ज्योति जी, अपने ऊपर सबसे ज्यादा आत्मविश्वास होना चाहिए। अगर आत्मविश्वास होगा तब भी कुछ कर सकते हैं। नहीं, अपने ऊपर आत्मविश्वास ज्यादा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अगर हमें आत्मविश्वास होगा कि हम कोई काम कर सकते हैं, तभी हम किसी और को भी आत्मविश्वास दिलवा सकते हैं ना, कि हाँ भाई तू भी काम कर सकता है, अगर हम कर सकते हैं तू भी कर सकता है। चलिए ठीक है। ज्योति जी आप बताइए। ज्योति जी नहीं है, ओके। सुंदर विश्वास जी आप बताइए, ये भी नहीं है। अखिलेश जी, हेलो। हाँ जी, हाँ जी, सुंदर जी बताइए, अखिलेश जी बोल रहे हैं। हाँ जी सर, अखिलेश बोल रहा हूँ। हाँ बताइए, क्या आपको क्या लगता है बोलिए इस स्टोरी का मोरल क्या है? सर। इस स्टोरी का मोरल मुझे लगता है कि सर, कि अपने आप को एक तो ज्यादा ऐसे समझदार ज्यादा नहीं समझना चाहिए, और वेरी गुड, आत्मविश्वास होना चाहिए खुद में, वेरी और गुड, दूसरे को बेसमझना चाहिए। उसके भाव देख के, उसके इंडिकेशन देखने पे उसको बेवकूफ नहीं समझना चाहिए, उसको समझना चाहिए पहले एक बार। वेरी गुड। समृति मैम, समृति मैम नहीं है शायद, ओके। रवि सर, हाँ जी सर। हाँ जी हाँ जी, क्या लगता है आपको स्टोरी का मोरल सर? सर, स्टोरी का जो मोरल है, एक ही मोरल निकल के आता है कि सामने वाला मूर्ख नहीं है। सामने वाला मूर्ख नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है। मैं सबसे ज्यादा प्रशंसा करूंगा, प्लीज आप लोग यार बुरा मत मानिएगा, मैं फिर भी यहाँ पर एक चीज का बोलूंगा, अखिलेश जी और नीना जी की, और मतलब मैं प्रशंसा में खैर सबकी करूंगा, लेकिन मैं फिर भी अखिलेश जी की बात बिल्कुल सहमत हूं कि आपको कभी भी खुद को ज्यादा होशियार नहीं समझना चाहिए, नहीं। क्योंकि जिंदगी में हम मार कब खाते हैं, जब इतने ज्यादा घमंडी हो जाते हैं और हमें सामने वाला क्या लगता है, हमें सामने वाला बेवकूफ लगता है। तो जो दोस्तों आज की जो स्टोरी का जो मोरल है और आज जो विषय था, वो विषय था
ओवर कॉन्फिडेंस इज ऑलवेज हार्मफुल। लाइफ में तीन तरह के कॉन्फिडेंस हम लोग देखते हैं, वन कॉन्फिडेंस इज अंडर कॉन्फिडेंस, सेकेंड इज कंप्लीट कॉन्फिडेंट एंड सेकेंड इज थर्ड इज ओवर कॉन्फिडेंट। अंडर कॉन्फिडेंट बंदे कौन होते हैं? जिनका एटीट्यूड नेगेटिव हो सकता है और जिनको कंप्लीट नॉलेज नहीं होगी। कॉन्फिडेंट कौन होंगे? जिनके पास परफेक्ट नॉलेज होगी और जिनके पास परफेक्ट एटीट्यूड होगा। और ओवर कॉन्फिडेंट लोग कौन होते हैं? ओवर कॉन्फिडेंट लोग वो होते हैं जिनको आता तो बहुत कम होता है और वो खुद को क्या समझते हैं? बहुत ज्यादा होशियार समझते हैं। चलिए दोस्तों, जो आज का जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ वो बात यही करने वाला हूँ, क्योंकि अब आपको समझ में आ रहा है कि अब आप लोगों ने आंसर मुझे दे भी दिया है कि अगर हम खुद को ज्यादा होशियार समझेंगे और सामने वाली बात को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, हम कभी भी टीम बिल्ड नहीं कर पाएंगे। तो आज का जो मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ अबाउट कॉन्फिडेंस या अबाउट सेल्फ कॉन्फिडेंस या अबाउट ओवर कॉन्फिडेंस, उस सब में सबसे पहले एक चीज ये समझने की जरूर कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं ये आपसे पहले भी शेयर कर चुका हूँ कि व्हाट आर द बेस्ट टिप्स फॉर नेटवर्क मार्केटिंग, उसमें सबसे पहला पॉइंट यही आता है, पुट वन सेल्फ इनटू अदर्स शूज। जब तक हम अपने आप को दूसरे की स्थिति में रखकर नहीं देखेंगे, हम सामने वाले की जरूरत को पूरा नहीं कर सकते। अब आप लोग या मैं अपनी बात भी करता हूं, अगर हम लोग अपने कार्य क्षेत्र में बिजी हैं, अगर हम लोग कुछ करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारा गोल क्या है, हमारा विजन क्या है और हम करना क्या चाहते हैं, और सेकंड थिंग कि सामने वाला हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है, या सामने वाले को हम ये मानकर चलते हैं कि हमें उसको वो सब चीज देनी है जो वो व्यक्ति एक्सपेक्ट करता है मिलने से पहले। अब हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग की अगर हम बात करते हैं या किसी भी बिजनेस की बात करते हैं, मेरे पास ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे हम लोगों में से ही, अभी हम लोग यहाँ पर 9 लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, मैं हम लोगों में से मैं गारंटी देकर बोल सकता हूँ कि हम लोग अक्सर अपनी सेल को मैच्योर नहीं कर पाते। सेल को मैच्योर इसलिए नहीं कर पाते, या अपनी डीड को या अपनी डील को मैच्योर इसलिए नहीं कर पाते कि या तो हम अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं या हम क्या होते हैं? ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। और अंडर कॉन्फिडेंट होने का मकसद तो क्या होता है? अंडर कॉन्फिडेंट कब होते हैं? जब हम लोग को नॉलेज नहीं होती। मैं बोलता हूं कि हमें नॉलेज ना हो वो अच्छी बात है। हम सॉरी बोलकर उसको ये बोलेंगे, सर कि मैं आपसे दोबारा मीटिंग करना चाहूंगा। लेकिन अगर मैं ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में ये मानकर चलूं कि मुझे सब कुछ पता है और सामने वाले को कुछ नहीं पता, और इस बात को सोचकर अगर आपने उसको कुछ भी ऐसा बता दिया जो उसको बुरा लगा, फिर आप उससे दोबारा कभी भी नहीं मिल पाओगे। क्या मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? सही बात है। कहने का मतलब दोस्तों, जब भी हम, अभी मेरे पास यहाँ पर कुछ नए चेहरे भी हैं, जैसे अखिलेश जी, विशाल जी, ज्योति जी, दीपक जी, ठीक है, मैं इनसे पहले नहीं मिला उनसे मैं, तो मैं अगर इन सब की बात करूं यहाँ पर भी, जब भी हम किसी पर्सन से मिलने जाते हैं तो हम पहले तो फुल कॉन्फिडेंट हो, फुल नॉलेज लेकर जाए, फुल तैयारी कर जाए। अगर हम लोग अपने होमवर्क को पूरा नहीं करेंगे, मेरे इस तरह के सेशंस करने का मकसद क्या है? मेरा मकसद ही सिर्फ यही है कि अगर हम लोग कहीं पर भी ये लैक फील करते हैं कि नहीं यार मुझे नहीं पता, तो प्लीज यार, हम लोग टीम इसलिए बनाकर बैठे हैं कि अगर हमें किसी की मदद लेनी पड़े तो हम उस व्यक्ति की मदद ले सके। बजाय हम ये करने के कि नहीं यार मुझे तो सब कुछ आता है और मुझे तो किसी की जरूरत ही नहीं है, तो फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। मेरे पास ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। कश्मीर सर, एक्सक्यूज मी सर, कश्मीर जी अपना अपना माइक ऑफ रखें सर, आवाजें आ रही हैं पीछे सर। चलिए सर, तो सॉरी, मैं कोई बात नहीं। तो मैं यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ वो ये बात कर रहा हूँ कि जिस बिजनेस में हम लोग हैं, उस बिजनेस में हमने सामने वाले व्यक्ति को राजा समझकर चलना है, उसको भगवान समझकर चलना है। मेरे पास ऐसे, मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बताया था कि हम लोग कस्टमर से मिलने जाते हैं और जब हम कस्टमर से बात करना शुरू करते हैं तो प्रॉब्लम कहाँ पर आ जाती है? प्रॉब्लम आ जाती है कम्युनिकेशन में। अब हम सोचेंगे कम्युनिकेशन कहाँ से आ गया ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर।
आप ये सोचकर चलिए दोस्तों कि कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, एक दूसरे से वार्तालाप, एक दूसरे से इंटरेक्शन और एक दूसरे की नीड्स को समझना। अभी हमारे पास लास्ट के 10 मिनट बचे हैं तो मैं कोशिश करूंगा 10 मिनट के अंदर अपने मैसेज में डिलीवर कर दूं आप लोगों से कि हम लोग अगर नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर चल रहे हैं। वैसे मेरा सेशन मोटिवेशन के लिए था ये कि जो लोग ये जिंदगी में ये सोचकर चलते हैं कि मुझे सब कुछ आता है, उनको कुछ नहीं आता। बुरा मत समझिएगा अगर किसी को ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि वो ओवर कॉन्फिडेंट थे और वो अपने आप को पूरा परफेक्ट समझ रहे थे, बट मैं यहाँ पर रियल बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं आज आपसे मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे अंदर भी इतनी कर्टसी होनी चाहिए कि अगर सामने कोई और बंदा है जो मुझे बताने की कोशिश कर रहा है तो मेरा दायित्व तो बनता है कि मैं सामने वाले व्यक्ति की रिस्पेक्ट करूं। और प्रॉब्लम, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती ही यहीं पर है कि हम लोग चाहते हैं कि मैं जिस बंदे से आज मिला हूं मैं उसको फटाफट से क्या करूं, डील को मैच्योर करूं। लेकिन ये जरूरी, हर बार जरूरी नहीं है। हम एक बार मिले, दो बार मिले, तीन बार मिले, 10 बार मिले, लेकिन उस व्यक्ति को 10 बार मिलने के बाद भी ये एहसास नहीं होना चाहिए कि ये बंदा तो मेरे मतलब पीछे ही पड़ गया है। कहने का मतलब कि उसकी हाँ भी बहुत जरूरी है। अब अगर हम बोलते हैं कि आज आप लोगों से मैं बात कर रहा हूं तो मुझे इस बात के लिए बहुत शर्म आती है कि आप लोग मेरे से पूछते हैं सर कि मैं लेक्चर दूं या ना दूं, बल्कि मेरे लिए तो बड़े गर्व की बात होती है जब आप मुझे कॉल करते हैं, लेकिन वो आपकी कर्सी है कि आप मुझसे पूछते हैं पहले। सेम आप इस चीज को अपनी निजी जिंदगी में भी अपना कर देखें। आज का सेशन कोई बहुत बड़ा सेशन नहीं था, बट फिर भी मैं आप लोगों से आज इस सेशन की बात इसलिए कर रहा हूं कि मैंने देखा है अपनी रियल लाइफ में भी कि हम लोग सब कुछ होते हुए भी जिंदगी में हार जाते हैं। और उस हार का कारण ही सिर्फ क्या होता है, घमंड। उस हार का कारण ही क्या होता है, एटीट्यूड। और उस हार का कारण ही क्या होता है, जो है मतलब कह लीजिए ओवर कॉन्फिडेंस। तो माय डियर लीडर्स, माय डियर पार्टिसिपेंट्स, माय डियर ऑडियंस, कि अगर आज हमें ये लगता है कि मेरे साथ भी ऐसा कुछ है कि मैं भी कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता हूं या ओवर कॉन्फिडेंट हो जाती हूं, तो प्लीज उस स्थिति को, उस चीज को, उस समस्या को धीरे धीरे सुलझाने की कोशिश करें। अब वो एकदम से तो नहीं होगा, इट विल टेक टाइम। कि मैं अगर आज आप लोगों से पूछूं कि आप में से कितने, अभी यहाँ पर 8 ऑडियंस 8 लीडर्स बैठे हुए हैं, मैं सबको एक जैसा मानकर चल रहा हूं, मैं यहाँ पर किसी में फर्क नहीं करूंगा। हम 9 में से ही अगर मैं बात करूं, हम 9 में से कितनी बार हम लोग ऐसे फेल हुए कि हमें आता तो सब कुछ था लेकिन ज्यादा होशियारी के चक्कर में हम अपना काम नहीं कर पाए। मैं आप लोगों से एक एग्जांपल शेयर करना चाहूंगा, अपना ही एग्जांपल शेयर करना चाहूंगा। मैं शिमला में जॉब करता था, एक कॉलेज था जिसका नाम था बेल्स इंस्टीट्यूट। क्या नाम था उसका? बेल्स इंस्टीट्यूट। बच्चे हैं वो लोग क्या है, उनको कुछ ना कुछ सीखने को मिलना चाहिए। मेरे को वहां पर ऑलरेडी जॉब करते हुए 3 साल हो गए थे। मैंने देखा कि यहाँ पर 3 साल से ना कोई इवेंट नहीं हुआ, ना ही कोई स्पोर्ट्स इवेंट हुआ, ना कोई फेस्टिवल हुआ, ना कोई कोई कल्चरल प्रोग्राम हुआ। तो मैंने उस चीज को खत्म करने के लिए या उस चीज को ठीक करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने एक बीड़ा उठाया कि मैं स्पोर्ट्स मीट करूंगा। अब आप सोचिए कि स्पोर्ट्स मीट करनी है, आपके कॉलेज में 800 बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या आप अकेले कर पाएंगे? नहीं। और मेरे पास टीम में, कहने का मतलब कि मेरे पास टोटल स्टाफ में 100 लोग थे, और वो मेरी सबसे बड़ी भूल थी कि मेरे को ऐसा लगता था कि बाकी लोग शायद मेरे काम से जलेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई आप अच्छा काम करने वाले होते हो तो कम से कम 10 में से 6 लोगों को दिक्कत होगी होगी। ये नेचुरल है ह्यूमन बीइंग का, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं इतना ज्यादा सीरियस हो गया था कि मैंने किसी की हेल्प लेना ठीक नहीं समझा। मेरे को लगता था कि अगर मैं किसी की हेल्प लेने जाऊंगा ना तो मेरी वैसे हेल्प वैसे भी नहीं करेंगे, और ऊपर से वो क्या होंगे, मेरे को देखकर फ्रस्ट्रेट होंगे और मेरे को देखकर जलेंगे। और मैंने क्या किया, मैंने वो उस इवेंट को, मैं और मेरे साथ एक और सर थे जो मेरे स्टाफ मेंबर थे, हम दोनों ने वो मिलकर इवेंट को कराया। मेरे को हर तरफ से वाहवाही मिली, हर तरफ से, क्योंकि उन लोगों ने वैसा इवेंट कभी देखा ही नहीं था, उन लोगों ने कभी स्पोर्ट्स मीट कभी देखा ही नहीं था। उसमें बच्चे इतने
जो बच्चे मुझे कॉलेज में कभी दिखे ही नहीं वो बच्चे भी कॉलेज के अंदर थे, क्योंकि वो 2 दिन के स्पोर्ट्स मीट में पूरा एंजॉय करना चाहते थे। लेकिन जब बात आती है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की ना, तो मेरे को चेयरमैन सर ने एक बात बोली, रॉबिल यार आई एम नॉट हैप्पी विद यू। अब आप सोचिए कि जिस इवेंट को आप कराने जा रहे हो और आपने वो सफल करा भी दिया और उसको सफल कराने में आप 15 दिन से मेहनत कर रहे हो और सडनली आपके बॉस क्या बोलते हैं, आई एम नॉट हैप्पी विद यू। तो मैं समझ गया था उस समय कि मुझसे गलती क्या हो गई थी, और वो गलती यही थी कि मैंने पूरा काम उठाने का बीड़ा खुद उठा लिया जबकि मेरे पास 80 लोगों की टीम थी। और प्रॉब्लम क्या हुआ कि मेरे को खुद पर ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था कि यार कोई बात नहीं, मेरी कोई मदद नहीं करता, मैं खुद कर लूंगा, जबकि मैंने किसी को अप्रोच नहीं किया था। वो सिर्फ मेरे माइंड का थॉट था कि ये लोग सब मेरे से जलते हैं, वो मेरे थॉट का, मेरे माइंड का एक वो ओरा था कि नहीं यार अगर मैं इनको बताऊंगा तो शायद मेरी हेल्प ना ही करें। लेकिन क्या मैंने उसे शेयर किया? नो, मैं तो खुद ही राह पर चल पड़ा था, मैं तो खुद ही उस इवेंट को होल्ड करने के लिए, मैं बोल रहा हूँ आई सक्सेसफुली डिड दैट। मैंने हर इवेंट को, हर एक्टिविटी को, हर मतलब जितना मेरे से बन पड़ता था मैंने अपना बेस्ट किया, सब लोग खुश थे, एवरीबॉडी वाज हैप्पी, बट चेयरमैन सर की उस बात से मेरे को बड़ा दुख हुआ। लेकिन आज मैं उस चीज को सोचता हूं तो मुझे लगता है कि हाँ मैं वहां पर गलत था। तो दोस्तों आज का जो मेरा सेशन यहीं पर मैं समाप्त करता हूं, और मैं यही चाहूंगा कि अगले 3.5 मिनट में आप लोग मुझे बताइए क्या इस तरह की स्थिति आपके साथ कभी हुई, और अगर हुई तो क्या आपने उसको ठीक करने की या समझने की कोशिश की या नहीं। थैंक यू, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया सर, ग्रेट ग्रेट सर, मजा आ गया सर आज के सेशन में। थैंक यू सर, थैंक यू रवि सर, शानदार सर, शानदार। मैं आपसे सर रोबिल जी एक बात पूछना चाहूंगा, अगर आप गुस्सा ना माने तो। नहीं नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं सर। मुझे बताएं सर, लोग आगे बढ़ना क्यों नहीं चाहते और सीखना क्यों नहीं चाहते, अपने आप को इम्प्रूव करना क्यों नहीं चाहते सर? अब ये आपने प्रश्न मेरे से पूछा है ना सर, मेरे को तो इससे बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने तो आपको अपना हिस्ट्री बता दिया कि मैंने उस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के बाद, चेयरमैन सर की बात को सुनने के बाद खुद को हर रोज इम्प्रूव किया है। लेकिन जो लोग आम जनता की बात कर रहा हूँ आपसे, हाँ हाँ जी, काफी लोग हमारे साथ भी जुड़ जाते हैं जी, तो गौतम बाली जी एक बात कहते हैं, हमारे MD साहब हैं गौतम बाली जी, जी बहुत शानदार पर्सनालिटी है, कभी आपको मौका मिले सर उनका सेशन सुनने का तो सुनिएगा सर। वो कहते हैं जिसकी तैयारी अच्छी होती है जीत हमेशा उसी की होती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट है। और वो दूसरी बात कहते हैं, सोचने की हिम्मत तो करो। एग्जैक्टली सर। मगर सर हम लोग अपने डेली रूटीन में देखते हैं, मेरे साथ भी काफी लीडर्स जुड़े हुए हैं, और वो मैं अगर बात करूं काफी लोगों की, तो सर वो उससे बाहर ही नहीं निकलना चाहते, जो उन्होंने एक दायरा बना रखा अपना, एक उससे बाहर ही नहीं निकलना चाहते। सर अभी भी मैं इस बात को ना और आगे एक्सटेंड करना चाहूंगा, क्या सब लोग वापस जुड़ेंगे यहाँ पर मेरे साथ में? जी सर, सभी जितने भी लीडर हैं सर, सभी लीडर दोबारा ज्वाइन करेंगे। अब बहुत ही शानदार सेशन हो रहा है सर, क्योंकि एक मिनट में बात खत्म नहीं होगी, क्योंकि आज जो जगपाल सर ने जो बात करी है ना, इस पे कम से कम 15 मिनट या 20 मिनट डिस्कशन होना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो वो एक मिनट में नहीं सर। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो रवि सर, हेलो हेलो, क्या सर, क्या क्या करें सर? तो मैंने आपको ये दिया, सबके माइक खुले हुए सर, एक तो यहाँ पे सबके माइक खुले हुए हैं, पहले सब माइक बंद कर। जगपाल सर आप बोलिए। जो मैंने अभी आपको बोला है कि हम कुएं के मेंढक क्यों हो गए हैं सर, उससे बाहर क्यों नहीं निकलते, या अपनी सोच उतनी जी, क्यों नहीं बनाते जी, अगर जी, कोई सिखा रहा है तो सीखने की हिम्मत क्यों नहीं करते सर? मैं अभी सर ये मिनट खत्म हो रहा है तो इसको दोबारा शुरू करते हैं। हाँ सिखाई सर, सीखने आपने जो बोली, फायदा जब है उसका जब मैं उसको इम्प्लीमेंट करूँ। एग्जैक्टली, डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। मैं देखता हूँ सर,
90% लोग, 80% लोग, 20% ही सर इम्प्लीमेंट करते हैं, और जो इम्प्लीमेंट करते हैं वो आगे जाते हैं जी, और 80% लोग सर इग्नोर करते हैं सर उन चीजों को जी।